वेलकम दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर हमको रेगुलर पेंटागॉन बनाना है, रेगुलर हेप्टागॉन बनाना है, यानी कि अगर हमको पॉलीगॉन बनाना है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन हम कैसे बना सकते हैं। इसमें हम हेप्टागॉन का एग्जांपल देखेंगे। हेप्टागॉन हेप्टागॉन मतलब जिसकी 7 साइड होती है। ठीक है, ये एंडी भट्ट सर की बुक में भी दिया हुआ है। एंडी भट्ट सर की बुक में ये एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 526 है। ठीक है, हेप्टागन बनाना हम सीख रहे हैं सबसे पहले। तो हेप्टागन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जिस साइड का हेप्टागन बनाना है वो साइड की लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो सपोज मेरे को इस साइड साइड का हेप्टागन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके इस पॉइंट को पकड़ के, ये वाले पॉइंट को पकड़ के, है ना, सेंटर मारते हुए मैं इससे, इसी से मैं इसका आर्क बना दूंगा। देखो, ठीक है, तो इसका मैंने आर्क बनाया। सपोज ये मैंने आर्क बना दिया। सर्कुलर आर्क, है ना, तो ये सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमको 7 भाग में डिवाइड करना है। तो आप करो 180, 180 डिवाइडेड बाय 7। तो जो भी वैल्यू आएगी 25.4 डिग्री जितनी भी आएगी, आप उतना मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, आपने एक मार्क किया, फिर उसके बाद क्या करो, जितना ये था उतना ही राउंडर का एक पिन इधर एक पिन इधर रख के एग्जेक्ट वही साइज के आर्क मार्क कर दो। 3 4 5, 1 2 3, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। ये थोड़े से गड़बड़ हो गए, इसको अपन ठीक कर लेते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 3 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 5 यहाँ पे आया, 6 यहाँ पे आया और 7। सो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया था, हाफ सर्कल बनाया था। और हाफ सर्कल बनाने के बाद अपन इसको फिर, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट से, ये जब हमने एक आर्क काटा और आर्क को 7 भागों में डिवाइड कर लिया, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था, यहां से यहां तक ए और बी। ठीक है, ये हमने सी खींच दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे रखो आप डिवाइडर, इस पे रखो डिवाइडर और इसको, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ऐसे ही इस पे रखो डिवाइडर, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये दोनों परपेंडिकुलर जहां जाके मिलेंगे वो इस सर्कल का सेंटर होगा, जो इन पूरे पॉइंट को कवर करता हुआ एक सर्कल बना के देगा, पूरे पॉइंट को कवर करता हुआ एक सर्कल बना के देगा। और ये जितनी ए बी लेंथ थी उतने के हम आर्क काट देंगे। 1 2 3 4, देखो इसको लास्ट में मिला दो। ठीक है, तो आप इसको जब मिला दोगे तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 साइड का पेंटागन तैयार हो जाएगा। मतलब आपने आपने सर्कल जो बनाया, ये आपने पहले ये पॉइंट निकाल लिया था, ये पॉइंट निकाल लिया था, और ये जितना रेडियस था, मतलब ये इसका सेंटर कैसे निकाला था सर्कल बनाने के लिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ हो गए तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास इसका सेंटर आ गया। सेंटर से आपने इस पॉइंट को लेकर सर्कल बना दिया और ये जितना बड़ा था ए बी उतने के आपने आर्क काट दिए इसमें लगातार। तो जब काटोगे तो बाई डिफॉल्ट वो 7 ही आएंगे, 7 आर्क आए तो आपने 7ों को मिला दिया, तो आपका हेप्टागोन बन के रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेते हैं अपन, एक बार फिर देख लेते हैं। हमको जैसे किसी एक पर्टिकुलर साइज का हेप्टागोन बनाना है, जैसे ये है मेरी साइज। ठीक है, ये ए बी साइड है, एक साइड है उसकी, इस साइड का हेप्टागोन बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड का पहले आर्क बनाऊंगा। ठीक है, देखो
आर्क में मैंने सर्कल बना लिया, हाफ सर्कल। अब मेरे को इस हेप्टागोन बनाना है। हेप्टागोन बनाना है मतलब 180 डिग्री को मेरे को 7 से डिवाइड करो। आप जो भी वैल्यू आएगी 25 पॉइंट समथिंग, उसका पहला मार्क कर लो, और फिर ये जितना है डिवाइडर खोल लो आप, इतना उसी के हिसाब से आप आर्क मार्क कर लो। ठीक है, तो आर्क आपने मार्क कर लिया तो 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7, जितना भी आर्क मारो। और उसके बाद आप इसको यहां से यहां तक लाइन खींच लो, ये दो नंबर मिला लो, तो आपके पास ये इसकी दूसरी साइड भी आ गई। सी इसका नाम दे दो, है ना। ये जब हो गया, इसके बाद आप क्या करो, क्लैरिटी के लिए इसको मिटाना है तो इसको मिटा के देख लो आप। देखो आपके पास दो चीज आ गई थी, है ना, क्लैरिटी की। अब ये सबको मिटा दो, ये सबको मिटा दिया आप। ठीक है, मिटाने के बाद आप क्या करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सपोज इसका परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का तरीका क्या है, मैं इधर इधर से रख के काटा हाफ से ज्यादा, और इधर भी रख के काटा हाफ से ज्यादा, तो ये मेरे को परपेंडिकुलर वाली ये लाइन मिल गई। ठीक है, वैसे ही मैं इसका परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करूंगा, इसका परपेंडिकुलर भी, इसका हाफ से ज्यादा काटा, ठीक है, इधर से हाफ से ज्यादा काटा, नीचे भी काटा, तो ये मेरे को इसका परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर लाइन मिल गई, तो ये यहाँ जाके मैच हो रही है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, एक्चुअली ये वाला जो ये वाली लाइन है, इसको फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट से हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इधर और इधर आएगा, और ये नीचे में इधर और इधर आएगा। जब इसकी लाइन मिलाओगे आप तो ये आगे चली गई। ठीक है, ये, और वैसे ही यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड करो, तो ये इसका सेंटर आ गया। ठीक है, इस सर्कल का, बड़े सर्कल का सेंटर ये आ गया। इससे ये रेडियस पकड़ के आप एक बड़ा सर्कल बना दोगे। ठीक है, ये रेडियस पकड़ के बड़ा सर्कल बना दोगे, ये बड़ा सर्कल बना दिया, और फिर ये ए बी जो रेडियस है, इसी रेडियस के इसमें आप वो काट दोगे, वन, दूसरा काटे टू, थ्री, फोर, फाइव और ये सिक्स, और बाकी फिर इसको लाइन यहां से पूरा में लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहां से यहाँ ये लाइन, यहां से यहाँ ये लाइन, ठीक है, यहां से यहाँ ये लाइन, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये लाइन, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ये लाइन, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ ये लाइन, तो ये आपका हेप्टागोन रेडी हो गया। हियर इज योर हेप्टागोन, ये हमारा हेप्टागोन बनाने का तरीका था। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।